लेकिन मुंतजिम को चाहिए कि अगर उनके इख्तियार में है तो वह आखिर बात नहीं पहुंचाए। सदका फितर किस चीज का दिया जाए? जो हम खाते हैं, जो चीज भी हमारे खाने में है, उसको सदका फितर की शक्ल में दिया जाए। जैसे गेहूं चावल जो उम्मत हमारे यहाँ एशियाई ममालिक में लोगों की उम्र खुराक है, तो जिस क्वालिटी का गेहूं हम खाते हैं, जिस क्वालिटी का चावल हम खाते हैं, उसी क्वालिटी का दें। ऐसा ना हो कि आदमी खाता तो है ब्लेंड से लेकर के ऊंचा आला क्वालिटी का, और जब फित्र सरकार फित्र अदा करना हो तो राशन ही हो। तो जो हम खाते हैं वो सहाबा इकराम की जो खुराक जो खाते थे, मसलन जौ है, खजूर है, मुनक्का है, और ये चीजें सहाबा इकराम सदका फितर में अदा करते थे। अब अगर कोई दूसरी चीज खाने वाली आपको अदा करना है तो इसमें वजन का लिहाज रखना है कि उतना ही वजन करना है। हमारे यहाँ बात लोग ये करते हैं कि सदका फितर अदा करने के लिए जैसे एक आदमी है, उसके घर में 10 लोग गए, अब 3 किलो के हिसाब से वो जोड़ देता है कि 3 किलो के हिसाब से 30 किलो का उसको पैसा देना है, तो 30 किलो का अमाउंट जोड़ करके वो जिस हिसाब से भी जोड़ता है तो उतने अमाउंट का वो ये करता है, एक छटाक काजू, एक छटाक बादाम, एक छटाक ये सब ले लेता है, और उसको ले जा करके ईद के रोज जैसे वो लोग शिवकुरमा वगैरह बना लेते हैं। अगर आप काजू बादाम खा लेते हैं तो शौक से दीजिए, लेकिन वो भी 3 किलो दीजिए, वजन उसने ही रहना चाहिए। जो अशिया खाने के आप दे रहे हैं, जो तो जो आप खाते हैं वो आपको देना है, और लेकर के फिर इसको तब्दील करना तो खास तौर से उलमाए किराम के सिलसिले में रुजू होना चाहिए, पूछना चाहिए क्या ये दुरुस्त रहेगा। ये सदका फितर एक आदमी एक नियत से दिया है, उसकी नियत है कि खुराक यानी गल्ला गेहूँ या चावल गरीब मुस्तहिक तक पहुंचे। हम भी इतने मेडिएटर है, क्या हमको इख्तियार है कि इसको तब्दील कर सकते हैं? ये सब खाने में गौर बात है। बेहतर ये है कि इन मसाइल से बचने का सबसे अच्छा तरीका ये कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अहकाम हैं, आपने जो हुक्म दिया है कि हम जो खाते हैं वही खाने वाली चीजें मुस्तहिकीन और जरूरतमंद तक है वो जिस तरह हम अपने हाथ से पहुंचाएं। ये आमाल जो है नेकियों वाले आमाल, अल्लाह रब्बुल आलमीन की जन्नत बड़ी कीमती है। मुस्तहिक को, जरूरतमंद को तलाश करना ये भी हमारी जिम्मेदारी है समाज और माशरे के अंदर। बगैरत और बाहमियत अफराद समाज नहीं खुलते हैं, और जन्नत हमको अल्लाह की चाहिए तो हमें चाहिए कि हम खुद तलाश करें। समाज और माशरे में बिल्कुल आसान है कि एक शख्स अकेला अगर घर का कमाने वाला है, उसके पीछे पीछे कई बच्चे हैं, उसकी बीवी है, दूसरी जरूरतें हैं, उसकी आमदनी बहुत महदूद है, वो अपनी सवाल नहीं खोल रहा है, घर को हमें उसको खामोश रखे हुए हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस तक पहुँच करके और उसकी जरूरत को पूरी करें। तो ऐसे ही सदका फितर की अदायगी के लिए हम जरूरतमंदों पर खुद कोशिश करेंगे, वहां तक पहुंचे नेकी की तलाश के लिए, माशरे की हकीकी सूरत हाल और सही आईना तो हमारे सामने आए, हमें मालूम तो पड़े माशरे में कितने मामलों पर हाल लोग जिंदगी गुजारते हैं, ये भी सब उसका फर्क है। तो सदका ईद उल फितर ईद की नमाज से कम लोग जो चीज हम खाते हैं, जो हमारे खाने में, उसको अदा करना है। हर शख्स की तरफ से उसकी अदायगी करना है, चाहे उसी भी बच्चे की विलादत हुई हो उसकी तरफ से भी अदा करना है, और घर का जिम्मेदार उसको अदा करेगा जो निकला है, जो जिम्मेदार है। 3 किलो के आसपास यानी 2 किलो 666 ग्राम हर शख्स को अदा करना है। अगर कोई शख्स नमाज ईद उल फितर से पहले सदका फितर अदा नहीं करता है, नमाज के बाद अगर वो अदायगी करता है, तो उसका सदका सदका ईद उल फितर सदका फितर नहीं बल्कि आम सदका है। जैसे कुर्बानी का मामला अल्लाह के नबी ने कहा कि अगर नमाज से पहले कोई काट लेता है तो आम सदका है, ऐसे ही सदका खास मौके और खास मुनासबत से नबी के जरिए हमको बयान किया है। इसलिए इसके तमाम तकाजों, तमाम अहकाम और तमाम चीजों का लिहाज करते हुए इसको अदा करना चाहिए। इबादत में जो अहकाम जैसे बयान किए गए हैं उसी तरीके से बेहतर यह है कि अदा किया जाए। अगर मखसूस सूरत हाल पर कुछ तब्दीली की बात हो तो अहले इल्म और उलमा इकराम से रुजू किया जाए, ना कि खुद अपने दिमाग से फतवा देकर के उसकी शक्ल तब्दील की जाए। तो जो अहकाम है उसके मुताबिक उसको अदा कीजिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि रब्बुल आलमीन हमें जो इबादतें जो कुछ साधते रब्बुल आलमीन तेरे नबी के जरिए बयान किए गए रब्बुल आलमीन उस पर उसी तरह अमल करने की तौफीक दे। रब्बुल आलमीन रमजान मुबारक के आखिरी अहकाम है रब्बुल आलमीन खूब तौबा की तौफीक दे। रब्बुल आलमीन रब्बुल आलमीन तेरे सच्चे नबी ने बयान फरमाया कि सदका फितर की अदायगी से जो रोजों में कमी रब्बुल आलमीन हमसे हुई है, हम कभी जज्बाती और गुस्से में भी आ जाते हैं, कभी कुछ कीमत चुगली मजलिसों में निकल जाती है। अल्लाह अल्लाह
अब्राहमी तेरे संचय नबी ने कहा कि संख्या मित्रों से उसकी उसका सफाई हो जाएगी, अल्लाह अब्राहमी उसकी सफाई कर दे और रोजों को अल्लाह कबूल फरमा अब्राहमी अल्लाह अब्राहमी हमारा आत्मा ईमान और रब्बा रब्बाना ला तुझे कुल मना बातें